بسم الله الرحمن الرحيم نستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال نبي قال خدا فرمان نہ بدلا جائے گا ہے قول نبی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا برادران گرامی قدر بندہ ہے نہ چیز نہ عالم ہون دا دعویٰ نہ خطیب ہون دا دعویٰ بس مان ہے تے مالکاں دی ذات تے مان ہے انہاں نے اس جگہ دے اتے لیا کے بٹھا دیتا تے اینا چمک دے چہریاں دے اگے سانو عزت عطا فرما چھوڑی کہندے نے کہ जिहड़ी मज है ना भी अपने किले ते जोर लाउंदी ते असीं भी अपने मालकां दे उत्ते जोर लाईदा है उहनां दे माण दे उत्ते गल करी दी है ते साडा भरम भी रख लैंदे साडी इज्जत भी रख लैंदे अल्लाह तबारक व तआला दे फजलो करम दे नाल इस रात दे तारीकी दे विच इस बड़ी मोतबर जगह दे उत्ते اور بڑی بابرکت جگہ دے اتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام تشریف فرمانے بلکہ علماء کرام ادب دے دائرے چے فرماندے نے کہ بندہ محفل دے وچ تشریف لے کے نہیں آندا بلکہ بندہ محفل دے وچ حاضر ہوندا تشریف لے کے آن دا مطلب اے ہوندا کہ اسی محفل نو عزت دیتی تے حاضر ہون دا مطلب اے ہوندا کہ محفل نے سانو عزت دیتی اے سونے لجپال کریم آقا دا ذکر انہاں دی محفل بھائی احمد حسن نے یقین کر جو مینوں تقریباً تیسرا سال جا رہا اور شادی دے موقع دے اتے میں تینا تیسرے سال دے وچے پہلی محفل دیکھی ہے جڑی شادی دے موقع دے اتے ہوئے تے میرا خیال ہے کہ انہاں نے اے دا سنگے بنیاد اس چیز دا رکھ چھڑیا ہے اگے انشاءاللہ باقی بھی جڑے ہیں وہ بھی اس چیز تو درس حاصل کر کے تے اپنی
शादियां नू बाबरकत बनाउणगे बेबरकत नहीं बनाउणगे, क्योंकि जिस जगह दे उत्ते अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा जिक्र होवे ना, उस जगह दे उत्ते अल्लाह दे नूरी मलाइका जिहड़े ओह भी तशरीफ फरमा हुंदे ने। ते इस वेले इह साडी महफिल जिहड़ी है, लजपाल करीम आका दा भी जिक्र कीता ते सोहणे दे कलाम दा भी असीं तलावत कीती, ते नूरी मलाइका दी इत्थे तशरीफ आवरी भी है, ते और आका अलैहि सलात व सलाम दे इहनां चमकदे होए चेहरां गुदे चेहरियां दे आले गुलामां दी भी हाजरी इत्थे है। तो दोस्तों ने ग्रामी कदर, ये शादी के मौके उत्ते महफिल रखना ये इन्हां वास्ते बायस बरकत भी है, बायस सआदत भी है, तो इन्हां दे वास्ते ये कह लो कि आने वाले वक्त दे विच आसानियां दा जरिया भी है। फजूल किस्म दियां रस्मां, गाने, मेहंदी दी रस्म, ये सारियां चीज़ां असीं बाहरों लईआं, लेकिन साढ़े रब ने की फरमाया, अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, के तुहाडे वास्ते मेरे महबूब दी जिंदगी बेहतरीन नमूना है। ते मेरे लजपाल करीम आका ने ते ओ दस्या कि जेड़ा अल्लाह नूं भी पसंद है ते असी ओ करना है जेड़ा अल्लाह दे रसूल नूं भी पसंद है। ते हजूर अलैहिस्सलाम ने की फरमाया, आपने फरमाया कि फितने दे दौर दे विच जेड़ा मेरा एक सुन्नत ते मेरी एक सुन्नत ते अमल करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उन्हूं 100 शहीद दा सवाब अता फरमाएगा। दोस्तों ने ग्रामी कदर, तुसी गौर करो, ये जिहड़ियां सारियां हिंदुआं दियां सिखां दियां रस्मां साडे अंदर साडी जिहड़ी है ये मामलात दे अंदर सराइयत कर गईयां ने, असीं इहनां नूं तरक करके एक साइड ते करिए ते मुस्तफा करीम अलैहि सलात व सलाम दी सुन्नत दे उत्ते अमल करिए, ते ए सुन्नत दा अमल करना साढ़े वास्ते हजूर अलैहि सलात व सलाम दी बारगाह दे विच साडा पसंदीदा हो जाएगा। लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सौतानी मलाउनानी फिद दुनिया वल आखिरा, के दो किस्म दियां आवाज़ां ऐसियां ने वो जिस जगह दे उत्तों बुलंद होंदियां उत्थे अल्लाह तबारक व तआला दी लानत दा नज़ूल हुंदा, लानत वरसदी उस जगह दे उत्ते। वो केड़ियां दो जिहड़ियां अज साडे मुआशरे दे विच साडे आम पाईआं जांदियां ने, एक ते ओ कि जिस वेले मैयत दे उत्ते रोण दी आवाज़ मर्द होण या औरत होवे उहदे रोण दी आवाज़ मैयत दे उत्ते बुलंद होंदी ते उस जगह दे उत्ते अल्लाह तबारक व तआला दी लानत वरसदी है। ते दूसरी जगह ओ है कि जिस जगह दे उत्तों गाउण वाले दी गाने बाजे दी जिहड़ी आवाज़ बुलंद होवे उस जगह दे उत्ते अल्लाह तबारक व तआला दी लानत वरसदी है। ते असीं शादी करने आ, एक नवीं जिंदगी, एक नवा अगे बंदे दा दौर जिंदगी दा शुरू हुंदा, ते लजपाल करीम आका अलैहि सलात व सलाम दी सुन्नत नूं अदा करना, और जिहड़ा सुन्नत नूं अदा करे ओह रब दी इबादत करे, ते रब दी इबादत दे विच किथे लिखिया होया कि गाने भी होण ते बाजे भी होण, उस जगह दे उत्ते अल्लाह तबारक व तआला दे अल्लाह दा जिक्र होवे ते अल्लाह दा हबीब दा जिक्र होवे ते अल्लाह तआला दीआं रहमतां दा नज़ूल हुंदा। दोस्तां ने ग्रामी कदर, तीन किस्म दियां चीज़ां देखियां जांदियां जिसलै बंदा शादी करदा, एक ते मालो दौलत देखिया जांदा, ते शकल देखी जांदी यानी सूरत देखी जांदी, ते फिर सीरत देखी जांदी। मेरे लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुसी इन्हां चीज़ां दे विचों उस दी सीरत नूं नज़र रख मद्देनज़र रखो, उहदी सीरत देखो कि उहदी सीरत किस तरह की है। शेख शाही करमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी बेटी दे निकाह वास्ते जिसले उन्हां दी बेटी निकाह दे काबल होई, उस वेले उन्होंने सरदार सिगे सरदारां दा खानदान सी, दूसरे मुल्क दे विचों बादशाहां दे रिश्ते भी आए, लेकिन आपने इनकार कर दिता। मस्जिद मस्जिद फिर के आपने कोई नेक सीरत जिहड़ा लड़का वह तलाश करन दी नीयत कीती, ते मस्जिद मस्जिद फिरे, आखिर एक मस्जिद दे विच गए ते उत्थे देखिया कि एक नौजवान है जिहड़ा फर्ज भी अदा करता ते फर्जां दे नाल नफल भी अदा करता, वह नमाज अदा करता, नमाज अदा करन तो बाद अल्लाह दी बारगाह दे विच गिड़गिड़ा के दुआ करता, रो के दुआ करता। आपने जिस वेले उस नौजवान नूं देखिया, हुण ये देख लो कि बादशाहां दे रिश्ते आए, माल नहीं देखिया, खूबसूरत भी होणगे ते उन्होंने खूबसूरती नहीं देखी, बल्कि अपने एक सरदार होण दे बावजूद
अपनी बेटी दे रिश्ते दे वास्ते गए ते एक खूबसूरत वास्ते गए। अच्छा उन्होंने उन्हें पूछा कि यह लड़के ए नौजवान तू शादी कीती? उन्हें क्या नहीं जी मैं नहीं कीती। आपने फरमाया कि तू शादी करेगा, खूबसूरत भी है, खूबसीरत भी है, इबादत गुजार भी है, नेकोकार भी है, ऐसी लड़की दे नाल तू शादी करेगा? उन्होंने कहा जनाब मैं एक गरीब बंदा, मेरे नाल इस तरह का रिश्ता कौन कराएगा, केड़ा अपना जेड़ा है अपनी बेटी का रिश्ता मेरे नाल करेगा। उन्हें कहा कि नहीं आज दिरहम फड़, ए एक दिरहम की रोटी लै, एक दिरहम की कोई होर चीज़ लै, जो भी उन्होंने कहा समान लैके आ, तो उन्होंने वो समान लैके आंदा तो अपनी बेटी का निकाह उहदे नाल कर दिता। अज इस चीज़ से बंदा गौर करे कि वह वक्त की सी, उस वेले उन्होंने बेटी का जिस वेले निकाह किया ना, तो वह बेटी रुखसत हो के जिस वेले अपने ससुराल के उस लड़के के घर गई ना, उहदी नज़र पई एक सुराही दे उत्ते, एक घड़े दे उत्ते जिहदे विच पानी सी, ते उस पानी के घड़े के उत्ते एक रोटी का टुकड़ा पिया सी। जिस वेले उन्हें रोटी का टुकड़ा देखिया तो उन्हें कहा कि यह चीज़ की है? वह लड़का कहन लगा कि ये कल दी बासी रोटी है, तो मैं सोचा कि इहदे नाल अज रोज़ा इफ्तार करांगे। उन्हें बड़ी हैरान हुई, उन्हें कहा भी मेरे वालद ने इस लड़के दे विच केड़ी खूबी देखी जिहड़ा मेरा निकाह इहदे नाल कर छड़िया? इहनूं ते रब दे उत्ते इन्ना भी तवक्कल नहीं है कि जिहड़ा एक टाइम दी दे सकदा दूसरे टाइम दी नहीं दे सकदा। तो उस वेले उन्हां कदमां ते वापस जाण दी नीयत कीती। जिसले वापस जाण लगी तो उस लड़के ने कहा कि मैं अगे कहिंदा सीगा कि मैं इन्ना गरीब हाँ कि मेरे घर दे विच किसे दे भी कोई भी लड़की आ के रहना पसंद नहीं करेगी। उन्हें कहा अल्लाह दिया बंदिया गल ये नहीं है कि तेरी गुरबत की वजह तू मैं वापस जा रही हाँ, बल्कि जेड़ा तू काम कीता है ना कि अल्लाह ते तेनू तवक्कल ही नहीं है कि तू एक टाइम दी खा के दूसरे टाइम दी बचा ली, जेड़ा तेनू एक टाइम दे सकदा वो दूसरे टाइम भी तो दे सकदा ना, तो तू इस तेरे इस अल्लाह ते भरोसा ना होने दी यकीन ना होने दी वजह तू मैं वापस जा रही हाँ। उन्हें कहा मैं शर्मिंदा, मेरा उजर कबूल कर। उन्हें कहा उजर तेरा कबूल ता कर दी हाँ, या इस घर दे विच ये रोटी का टुकड़ा रहेगा या घर इस दे विच मैं रहांगी। उन्हें रोटी का टुकड़ा खैरात कर दिता तो दोवें इत्थे रहना शुरू कर दिता। मैं ये गल करना चाहना इत्थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुहानू अगर ये मौका दिता है तो फिर ये ना देखो कि दौलत किस तरह की है, उहदा किरदार देखो, उहदी सूरत ना देखो, उहदी सीरत देखो। अगर सीरत देखोगे तो सारी जिंदगी जिहड़ी है सुकून की गुजर जाएगी। अगर इब्तदाई करनी गाने बाजे तो, अगर इब्तदाई अल्लाह तआला दे रसूल दी ना फरमानियां तू करांगे तो फिर सारी जिंदगी परेशानियां दे विच गुजर जाएगी, बंदे नूं सुकून हासिल नहीं होएगा। दोस्तां ने ग्रामी कदर हजूर अलैहि सलातु व सलाम दे इस प्यारी सुन्नत दे उत्ते अमल करदिआं होइआं, जिहड़ी हजूर अलैहि सलातु व सलाम दी सुन्नत है उहदे ते अमल करेगा अल्लाह तबारक व तआला उहनूं अजर भी देणगे, अल्लाह तबारक व तआला उहनूं उहदे ते बरकतां और फजीलतां भी अता करनगे। मेरे लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीसे पाक सुनो, आपने फरमाया कि जिस वेले दुल्हा और दुल्हन अपनी शादी वाले दिन, दुल्हन भी वजू करके आवे अपने ससुराल और दुल्हा भी वजू करे, बा वजू हो के वो दोनों जिस वेले अपने उस पहले दिन अपने कमरे के अंदर दोवें जने मसला बिछा के ते ओ अल्लाह की याद के विच नमाज के वास्ते खड़े हो जाण, ते अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तियां नूं फरमाउंदा ए फरिश्तियो अज मेरे अर्श दियां जिहड़ियां कंदीलां इन्हां दा डिजाइन इन्हां दा नक्शा बदल दिओ, मेरे अर्श नूं सजा दिओ। ते फरिश्ते अर्ज करदे ने या बारी तआला की होण वाला? अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तियां नूं फरमाउंदे आ फरिश्तियो होण वाला नहीं बल्कि हो चुकिया है, तुसीं जमीन की तरफ नज़र करो और देखो मेरे दोवें बंदे जड़े ने ओ अपनी याद अपने उस वक्त नूं भुला के ते मेरी याद दे विच मुसल्ले ते खड़े हो गए ने। ऐ फरिश्तियो अज इन्हां नूं असीं तोहफा भेजना। ते फरिश्ते अर्ज करदे ने या बारी तआला इन्हां नूं तोहफा की भेजना? अल्लाह तबारक व तआला फरमाउंदे जन्नत दे विच जाओ एक रहमत की चादर लैके आओ तो मेरे फजल की उन्हें झालर लगा के ये जिथे मसले के उत्ते खड़े ने इन दोवों के उत्ते उन्होंने उड़ा दियो, इन दोवों के उत्ते पा दियो। तो जिस वेले वह फरिश्ते उन्हें पा देंदे
ते ओ फरिश्ते भी रश करदे कि जिस जोड़े दे उत्ते मालिक कायनात नूं इन्ना प्यार आया कितना मुकद्दरां वाला जोड़ा होएगा। दोस्तां ने ग्रामी कदर जिस वेले इस तरह का अमल होगा तो फिर उत्थे मेहर अली पैदा होंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा होंगे, उत्थे कोई डांसर पैदा नहीं होएगा, उत्थे कोई जनाब गाने गाने बाजे वाला पैदा नहीं होएगा, बल्कि मुहम्मद अरबी के गुलाम पैदा होंगे। तो दोस्तान ने ग्रामी कदर मेरे लजपाल करीम आका दे सहाबा ने भी तो शादियां कीतियां, उन्होंने भी शादियां कीतियां, उन्होंने भी अपने घर बसाए, लेकिन इंतहाई सादगी दे नाले काम कीते। आज भी असी अगर अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी ना फरमानी मोल लवांगे ना तो यकीन कर जो तो इस उस जगह दे उत्ते कदी बरकतां नहीं होणगियां, उस घर दे उत्ते कदी बरकतां नहीं होणगियां। अगर अल्लाह तबारक व तआला दी खुशी दे मुताबक काम करदे होयां असीं ये सारा काम करांगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला भी खुश होणगे तो अल्लाह दा रसूल भी खुश होएगा। मेरे लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे सहाबी, दोस्ताने ग्रामी कदर मेरे आका दा सारे सहाबी बड़े प्यारे ने, अबू बकर सिद्दीक भी प्यारे ने, हज़रत उमरे फारूक भी प्यारे ने, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमरे फारूक भी प्यारे ने, हज़रत उस्मान गनी भी प्यारे ने, हज़रत अली मौला मुश्किल कुशा भी प्यारे ने। मेरे इस लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे सहाबी आप दे पिछे नमाज़ा पढ़े, आप दी हर नमाज आप दी इक्तदा दे विच पढ़दा है, आप दे पिछे कोई नमाज कजा नहीं करदा, हजूर दा चेहरा भी देखदा है ते रब दी नमाज भी अदा करदा है। दोस्तां ने ग्रामी कदर उहदी शादी दा वक्त आ गया, शादी दा टाइम ओ रखिया है जिहड़ा नमाज दा टाइम नहीं है, शादी हो के अपने घर दुल्हन नूं लै आए ने, दुल्हन नूं लिया के कमरे दे विच बिठा छड़िया, हजूर दे पिछे जाके इशा दी नमाज पढ़ी है, इशा दी नमाज पढ़ के हजूर ने हजूर दा तरीका मुबारक की सी कि जिस वेले नमाज तो फारग हो जांदे ते अपने आशकां दी तरफ अपने नाल प्यार करन वाले अपने सहाबा दी तरफ मुँह करके बैठ जाया करदे, उन्हां दे नाल गुफ्तगू फरमांदे, उन्हां नूं मसले दसदे। जिस वेले मेरे लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हां दी तरफ चेहरा कीता ते मेरे लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ओ प्यारे सहाबी भी उत्थे मौजूद ने, गल्लां करदियां करदियां सोने दियां ज़ियारत करदिया करदिया उन्हों की गुफ्तगु सुनद्या सुनद्या अद्धी रात हो गई। जिस वेले अद्धी रात हुई है मेरे लजपाल करीम आका ने उस सहाबी नूं फरमाया, ऐ मेरे सहाबी अज तेरी शादी की रात है, जा अपने घर चला जा, तेरे घर वाले तेरा इंतजार करते होंगे। उस सहाबी हजूर अलैहि सलात व सलाम ते दरूद पढ़ते हुए उतों उठे ने, जिस वेले दरूद पढ़ते उतों उठे ने ते अपने घर गए ने, हजे घर दे विच जा के अपने कमरे दे विच दाखिल होए ने, रात का पिछला पहर ते हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी आवाज़ कन्ना दे विच पै गई है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमांदे ने के ओ मदीना वाले ओ जिहाद दी तैयारी कर लो, तुहानू मुस्तफा करीम अलैहि सलात व सलाम ने बुला लिया। जिस वेले उन्हें सहाबी प्यारे ने गल सुनी है, हजे अपनी बीवी दे नाल कोई गुफ्तगू नहीं की, कोई गल नहीं की, किसे किस्म की उन्होंने वेख्या भी नहीं, उन्हां दे कन्नां दे विच गल पई है, उस वेले वापस मुड़े ने अपनी तलवार उठाई है, तलवार उठा के वापस जान लगे ने, जिस वेले दरवाजे चो निकले ने तो वह नेक सीरत बीबी आप दे पिछे आईया ने, आप दी बीवी आप दे कदमां दे लग लग के कहन लगी जिहाद ते सुबह नूं होवेगा, अज रात जरा ठहर जा, जरा मेरे नाल गुफ्तगू कर ले, जरा प्यार दिया दो चार गल्ला कर लीए। ओ सहाबी ने क्या करूं तेरे नाम पे जां फिदा, एक जां फिदा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, क्या करूं करोड़ों जहां नहीं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा। मेरे लजपाल करीम आका दा सहाबी उतों निकलिया, कहन लगा कि ए वक्त दोबारा भी आ जाएगा, लेकिन लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहड़ा बुलावा दिता, पता नहीं दोबारा ये मौका मिले या ना मिले। लिहाजा मेरे लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी
मैदान जंग दे विच गए ने, हजूर लई सलात व सलाम दे नाल जिहाद कीता, आप दे जिस्म दे उत्ते तीर भी लगे, तलवारां भी लगियां ने। आखर हजूर लई सलात व सलाम दा तरीका मुबारक की हुंदा सी, जिस वेले जंग हो रही हुंदी सी अपने गुलामां दे उत्ते नजरे रहमत फरमा रहे हुंदे सी एक बुलंद मुकाम दे उत्ते खड़े होके। लेकिन सहाबा फरमाउंदे ने कि अज असीं अजीब मंजर वेख्या है कि हजूर लई सलात व सलाम किसे अपने होर गुलाम नूं वेख नहीं रहे, सिर्फ उसे गुलाम दे तरफ नजर रहमत फरमा रहे ने। जिस वेले उस गुलाम दे तरफ लड़दियां लड़दियां वह जख्मी हो गए, जख्मी होकर जमीन ते आ गए ने, ते उन्होंने फिर अपने आप नूं कोनियां दे बल घसीटना शुरू कर दिता। सहाबा कराम भी आए ने, सहाबा कराम ने उन्होंने उठाया ते हजूर दे कहन लगा कि मेरा आखिरी वक्त आ गया, मैनू हजूर दे कदमां दे विच लै चलो, मैं हजूर दे कदमां दे विच अपनी जान अल्लाह दी सपुरद करना चाहुंदा वां। सहाबा ने उन्होंने उठाया, जिसले उठा के ले जान लगे ने ते मेरे लजपाल करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया मेरे सहाबा रहन दो, इनू उत्थे ही रहन दियो। हजूर लई सलात व सलाम दी बारगाह विच सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह तुहाडी नजरां दे सामने इस्लाम की खातर जान दे रहे ने, तुसी फरमा रहे हो इनू मेरे कोल ना लैके आयो। हजूर लई सलात व सलाम ने फरमाया, जेड़ा साड़ी इज्जत की खातर इस्लाम की खातर जान दे देंदा है, ओनो साडे कोल चल के नहीं आंदा, बल्कि असी ओदे कोल चल के जाने हां। दोस्तां ने ग्रामी कदर मेरे लजपाल करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उत्थों चले ने, उस गुलाम दा आखरी वक्त है, आपने ओदा सर जिहड़ा है अपनी झोली दे विच लिया, आपने ओदा जनाब उस गुलाम ने हजूर लई सलात व सलाम दे चेहरा मुबारक दे उत्ते एक नज़र कीती है, उस नज़र करन तो बाद ओदी रूह परवाज कर गई है। मेरे लजपाल करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो, ओ मंजर दी कैफियत नूं जरा समझो, उस माहौल नूं जरा अपनी नजरां दे सामने लैके आओ। मेरे लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस गुलाम दी पेशानी नूं चुमिया है। सहाबा कराम फरमाते ने कि हजूर लई सलात व सलाम ने अपने उस गुलाम की पेशानी नूं भी चुमिया, ते हजूर लई सलात व सलाम के चेहरा मुबारक दे उत्ते असी पहली मरतबा देखा है कि दो किस्म दियां कैफियतां तारी ने। पहली कैफियत हजूर लई सलात व सलाम दे चश्माने मुबारक दे विचों आंसू जारी ने, ते दूसरी कैफियत है कि उस वक्त दे विच जिस वेले आंसू आप दी अखां च जारी ने, ते आप दे होंठां मुबारकां दे उत्ते मुस्कुराहट भी तारी है। सहाबा कहते ने, असा हजूर अलैहि सलात व सलाम दी बारगाह दे विच अर्ज कीता, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, असी अज तो पहले कदी मंजर तेरे चेहरा मुबारक ते नहीं देखिया कि एक वक्त दे उत्ते तुहाड़ियां अखां दे विचों आंसू भी होवन, ते तुहाडे चेहरा मुबारक दे उत्ते तबस्सुम भी होवे। मेरे लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया आंसू इस वजह तो है कि साडा प्यारा साथी साडे तो जुदा हो गया, और खुश आंसू इस वजह तू ने कि इन्हें साड़ी खातर इस्लाम की खातर दुनिया की एक औरत नू छड़िया है, वह भी शादी वाली रात अपनी बीवी नू छड़ के साढ़े वास्ते कुर्बान होने वास्ते आ गया है। तो जिस वेले इन्हें एक बीवी नू दुनिया की औरत नू छड़िया है, तो मैं वेख रहा वहां कि अल्लाह तबारक व तआला ने 70 और 70 हूरां इहदी रूह दे इस्तकबाल वास्ते भेज छड़िया ने। या अली जिंदाबाद। दूसरे लफ्जों के हजूर लई सलात व सलाम दे गुलाम ए पैगाम दे गए ने, जिस दिले अंदर इश्क समाना ते ओस नहीं फिर जाना, भावें सोने मिलन हजारा ते असन यार वटाना। दोस्तों ने ग्रामी कदर जिन्हें मुस्तफा करीम अलैहि सलात व सलाम का चेहरा तक लिया ना, फिर उन्होंने दूसरा कोई चेहरा पसंद ही नहीं आया। तो सहाबा कराम ने एवें तो नहीं अपनी जाना दित्तियां, एवें तो नहीं अपने आप जिसम के उत्ते इस तरह जनाब
नेजे भी बर्दाश्त किए ते अपने जिसम के उत्ते तीर भी बर्दाश्त तलवारा भी बर्दाश्त कीतियां ते अपने जिसम के कट्टन का भी उन्होंने एहसास तक नहीं होया क्योंकि महबूब का चेहरा अकदस उन्होंने चेहरे के अगे से। तो अज सानू भी चाहिए है कि हजूर सलात वसलाम की सीरत न कल बरोज़े कयामत और कबर के असी केड़ा चेहरा लैके जावे हजूर की बारगाह के या रसूल अल्लाह असी तुहाड़ियां नाफरमानियां करते रहे तुहाड़ियां सुनतां दे उत्ते हमले होंदे रहे ते असी उस वेले भी खामोश हो के ते बैठे रहे तुहाड़ियां सुनतां नूं असी तरक करते रहे ते उस फितने के दौर के भी असी सुनत के उत्ते अमल नहीं किया। तो अज सुनत ते भी अमल करो कुरान ते भी अमल करो कुरान नूं पढ़िया करो कुरान पढ़ोगे तो तुहानूं मेकअप की भी जरूरत नहीं होएगी। वो साड़ी जिहड़ी आ वो धी होवे बहन होवे जिन्हां दी शादी होवे वो साड़े भाई होण जिन्हां दी शादी होवे उन्हां नूं 30-40 हज़ार रुपया मेकअप ते लाउण दी जरूरत ही नहीं है। वो सिर्फ कुराने करीम की ज़ियारत करया करन ते कुराने करीम नूं पढ़िया करन ते उहदे पढ़न दे नाल ही अल्लाह तबारक व तआला उन्हां दे चेहरे रोशन और मुनव्वर कर देगा। बाबा जी खादम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह तआला अलैह नूं पुछया कि बाबा जी तुसीं सोहणे बड़े लगदे हो इहदी की वजह किहड़ा मेकअप करदे हो? आपने फरमाया मैं मेकअप कोई नहीं करदा मैं कुरान का भी हाफज हाँ तो मैं इकबाल का भी हाफज हाँ तो मैं कुरान का हाफज होने के बावजूद भी कुरान वेख के पढ़दा कि कुरान नूं जदों मैं वेखदा तो फिर कुरान भी मैनू देखदा तो जिस वेले कुरान मैनू देखदा उस वेले फिर मेरा चेहरा जिहड़ा आ वो रोशन और मुनव्वर हो जाता। तो दोस्तों ने ग्रामी कदर जिहड़ा कुरान की ज़ियारत करे ना तो कुरान की ज़ियारत करे कुरान नूं पढ़े तो उन्हूं किसी किस्म के महंगे महंगे मेकअप करन दी भी जरूरत नहीं होएगी। अगर और बिलाले हबशी भी होएगा तो जन्नत दे हूरां दी सरदार भी उहदा इस्तकबाल करेगी। बस आखिरी गल करके ते इजाजत चाहवांगा हजूर अलैहि सलातु वसलाम की बारगाह दे विच एक कुरान की गल आ गई तो कुरान की अजमत की भी फिर गल कर लीए कि हजूर अलैहि सलातु वसलाम की बारगाह दे विच एक सहाबी हाजर ने ते हजरत इजराइल अलैहि सलाम आए अर्ज की या रसूल अल्लाह तुहाडा जिहड़ा गुलाम बैठा ना इहदी रूह कब्ज़ करन दा टाइम आ गया यानी इन्हां दी मौत दा वक्त आ गया इन्हां दी हुण थोड़ी देर तो बाद मैं रूह जिहड़ी ओह कब्ज़ कर लैणी। तो हजूर अलैहि सलातु वसलाम ने अपने उस गुलाम नूं कहा कि ऐ मेरे गुलाम ऐ मेरे प्यारे सहाबी तेरी मौत दा वक्त करीब आ गया। तो सहाबी जिहड़े आ ओह उठ के ते अपने घर नहीं भज्जे घर की तरफ नहीं गए अच्छा जी ठहरे हो जरा थोड़ी देर वास्ते इन्हां नूं क्यों रुक जाओ मैं अपने घर वालों नूं वसीयत कर रहा वा मैं फलाने दे इतने पैसे देने मैं फलाने दे नाल आ काम कीता ते उहदे उहदे नाल सारा मामला नहीं नहीं उन्होंने ये नहीं किया। उत्थे बड़े पुरसकून तरीके दे नाल बैठे रहे कहन लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा वक्त आखिरी आ गया लेकिन तुसीं इरशाद फरमाओ कि किहड़ा बेहतरीन काम है कि जिहड़ा मैं करदा होया इस दुनिया तों चला जावां अल्लाह तबारक तआला मेरी बख्शिश फरमा दे। हजूर अलैहि सलातु वसलाम ने फरमाया ए मेरे गुलाम उठ के जा ते कुरान शरीफ दे ओ वरक लैके आ जिन्हां ते कुरान शरीफ लिखिया होया ओ मेरे कोल लैके आ तू कुरान मैं कुरान पढ़ांदा जावांगा तू कुरान पढ़दा जाएगा तेरे पढ़द्या पढ़द्या तेरी रूह जिहड़ी है ओह परवास कर जाएगी। तो जिस वेले ए तेरी रूह परवास कर जाएगी उस वेले अल्लाह तबारक व तआला तैनू इस कुरान पढ़न दे सदके दे नाल अल्लाह तआला बेहिसाब जन्नत विच दाखिल फरमा देगा। तो दोस्तों ने ग्रामी कदर जिहड़ा इत्थे दुनिया ते कुरान पढ़दा ना वह फिर कबर च भी पढ़दा वह फिर अगे भी पढ़ेगा तो पढ़दा पढ़दा ही अपने मरतबे उहदे बुलंद होंदे जाणगे। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाउंदे ने आप फरमाउंदे ने कि एक दफ़ा मैं ना हज वास्ते गया तो हज वास्ते जिस वेले मैं गया तो हज तो फारग हो के हज के अयाम के अंदर ही कहिंदे गलबन कि मैं उत्थे मक्का शरीफ के विच आ तो मेरे इलाके का ही एक नौजवान है जिहड़ा आलम भी नहीं हाफिज भी नहीं तो कोई बहुत बड़ा जनाब ऐसा बंदा भी नहीं जिहदे को बहुत बड़े उन्हें इलम सीखे होण लेकिन परहेजगार सीगा कहिंदा वह भी उत्थे तो मैं जिस वेले भी उन्हूं देखा ना तो वह रब की नमाज पढ़ रहा हुंदा या रब का कलाम पढ़ रहा हुंदा फिर की करता वह नमाज तू कहता मैं बड़ी कोशिश की उन्हें एक दफ़ा कहा भी कि यार मेरे कोल बह जा कोई 2-4 मिनट गल्ला कर ली आप बैठ के उन्हें कहा हज़रत जी गल्ला की करनी इतने आप हराम बनया हो आप रब के नाल गल्ला ना करिए
आपां रब की नमाज भी पढ़िए इस जगह ते आके ते रब का कलाम भी पढ़िए। कहिंदे मैं बड़ा मौका तलाश किया, बड़ी कोशिश की कि मैं उन्हें दो चार मिनट अपने को बिठा के इलाके का बंदा कोई गल्लां ही कर लीए। कहिंदे वो गल्लां उन्हें मैनू करन दा मौका नहीं दिता। कहिंदे वक्त गुजरिया, चंद दिन गुजरे ते एक दिन मैं देखिया कि वह नमाज पढ़ के ते कुरान शरीफ पढ़ रहा। मैं उसके पिछे जाके बैठ गया। जल्द मैं पिछे बैठा ना तो मैं ये सोचा कि चलो अज कुरान शरीफ जो पढ़ के हटेगा ना, अज तो मौका मिलेगा, मैं गल कराएंगे कोई ना कोई, इनू मैं उस वेले अपने को बिठा लवागा। उन्हें जिसले वो अपना मुकम्मल किया करन तो बाद कहन लगा, सरकार पिछे मुड़ के देखिया तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह पिछे तशरीफ फरमा। उन्हें कहा, हजूर मैं तुहाडा ही इंतजार कर रहा सीगा, तुसी आ लो दिनार। उन्होंने पैसे दिते तो कहन लगे, आ मेरा कुरान कि अज जोहर की नमाज तो बाद मैं इस दुनिया तो चलिया जाना, मेरा आखिरी वक्त आ गया, जोहर की नमाज मैं तुहाडे नाल पढ़ांगा, उस तो बाद मैं इस दुनिया तो चलिया जाना। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे कि जिस वेले भी वह दुआ अल्लाह की बारगाह विच करदा सी ना, नमाज पढ़न तो बाद, कुरान पढ़न तो बाद, कहिंदे मैं ये सुनिया कि अल्लाह की बारगाह से दुआ करदा सीगा, या अल्लाह मैनू कबर दे विच नमाज पढ़न की भी सादत देवी, मैनू कुरान पढ़न का भी सादत हासिल कर। कहिंदे ओ मैं ओदी गल सुनी, मैं ओदे को लै 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 के ते कहिंदे ओ उन्हें मैनू ये कहा भी जिसले तुसी मैं इस दुनिया तो चलिया जावां, मैनू गुसल भी दियो, मैनू कफन भी करियो, तुसी मेरे इलाके दियो ते मेरे ते ये जरूर एहसान करियो। कहिंदे इस तरह होया कि जोहर की नमाज उन्हें साढ़े नाल सफ दे विच मेरे कोल खड़े होकर अदा की। जिस वेले जोहर की नमाज पढ़ी, फर्ज अदा किए, सुनता पढ़िया, नफल पढ़े, नफल पढ़न तो बाद कहिंदा ओ जिहड़ा नौजवान सी ओ लेटिया होया, मैं उन्हें देखिया, मैं फारग होकर जिस वेले ओदी तरफ जा रहा सी ते ओदे मुँह दे विचों कलमा तैबा जा रही सीगा। जिस वेले मैं कहिंदा, आप इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे कि जिस वेले मैं ओदे नज़दीक गया ना, तो मैं जिस वेले नज़दीक गया तो ओदी रूह जिहड़ी ओ परवास कर चुकी सी। कहिंदे मैं ओदा उस जो वसीयत उन्हें की सी, सारा मामला किया करके मैं दफन किया जन्नत मुअल्ला दे विच, उन्हें जिहड़ा है वह दफन कर छड़िया। मैं रुखसत हो गया। कहिंदे कुछ अरसा तो बाद फिर मैं वापस दोबारा हज वास्ते गया। जिसले उत्थे गया तो एक जनाजा पढ़न का मैनू इतफाक होया, मैं जनाजा पढ़न लगा। तो जनाजा पढ़न तो बाद कहिंदे मैं मेरे दिल दे विच ख्याल आया, या अल्लाह वह नौजवान जिहड़ा सीगा ना वह दुआ किया करदा सी कि या अल्लाह मैनू कबर दे विच भी तो मैनू कुरान पढ़न की भी सादत देवी, मैनू नमाज पढ़न की भी सादत नसीब फरमाई। तो मैं देखना चाहना कि आया कि वह नौजवान जिहड़ा वाकई अपनी कबर के कुरान पढ़ रहा। कहिंदे वह मैयत लैके जिसले मैं भी नाल कब्रस्तान दे विच गया, कब्रस्तान विच जाके वह कहिंदे कबर भी इतफाकन उहदी कबर के नाल ही खुदाई की गई। जिसले खुदाई की गई तो कहिंदे अचानक उस कबर की जिहड़ी दीवार आ गिर गई, लोग घबरा गए। तो मैनू कहन लगे, तुसीं सब तो बड़े आलम हो, दसो इहदे बारे हुण की करना, इह दीवार गिर गई। कहिंदे मैं जिस वेले उस कबर दे विच दाखल होया ना तो मैं की वेखदा पिया वां कि उस नौजवान ने मैनू मुखातब होकर कहा कि किबला ए जिहड़ी ए इह दीवार एवें नहीं गिरी, अल्लाह ताला ने तुहाड़ी दुआ कबूल की, तुसीं देखना चाहुंदे सी ना कि मैं कबर दे विच भी कुरान ते नमाज पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा। इमाम शाफी फरमाउंदे ने कि ओ उस वेले भी मैं देखिया ते कबर दे विच बैठ के कुरान की तिलावत कर रहा सी। तो कहिंदे उन्हें क्या, बस इत्थे हुण बंद कर दे, मेरा पर्दा फाश ना करी तो लोगों ना बुलाई। इस तरह कहिंदे मैं निकलिया तो बाहर आ गया। दोस्तों ने ग्रामी कदर ये देख लो, जिहड़ा बंदा नेक अमल दुनिया ते करदा ना उहदा अजर अल्लाह तबारक व ताला जाया नहीं करदे। तो जिस बंदे ने बुराई की बुनियाद रखी ना, जिन्नी देर तक बुराई होंदी रहेगी उहदा गुनाह जिहड़ा उस बंदे दे खाते दे विच भी लिखिया जाता रहेगा। इन्होंने नेक अमल शुरू किया, अल्लाह तबारक ताला ही बार गई दुआ कि आइंदा आने वाला हर शादी का लम्हा जिहड़ा जिहड़ी भी शादी होवे तो वह मेहंदी की रात हिंदुआ तो सिखा की रस्म जिहड़ी उहनू अदा ना करे, बल्कि मुहम्मद अरबी के गुलामा की रस्म नू अदा करे, तो फिर ही मचास आएगी। अल्लाह की बारगाह दे विच दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला सानू जो कुछ भी पढ़िया पढ़ाया उन्हों कबूल फरमा के अजरे अजीम अता फरमाए। हुन चंद कलिमात किबला पीर मुहम्मद रमज़ान शाह साहब अदा करनगे, उस तो बाद इंशाअल्लाह सलाम होएगा, दुआ खैर होएगी, तो फिर इजाज़त होएगी।